हाई वोल्टेज लाइन में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको कैसे ऑन ऑफ करते हैं आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे घर में जैसे नॉर्मल स्विच ऑन ऑफ करते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप इस वीडियो में देख सकते हो जब ये भाई साहब ने हाई वोल्टेज तार को किसी वजह से हटाया तो बड़ा सा स्पार्क जनरेट हुआ, वो बहुत डेंजर हो सकता है। बार बार तार स्पार्क करेगी तो तारों के बीच में लगे इक्विपमेंट कट जाएंगे, इससे भीषण आग लग सकती है। तो दोस्तों इन सभी हाई वोल्टेज लाइन को कैसे ब्रेक करते हैं, उस डिवाइस का नाम है आइसोलेटर और दूसरा सर्किट ब्रेकर। इन दोनों की सहायता से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। इसे ऐसे ही नहीं होता, यूं है कि जब लाइन को ब्रेक करना होता है तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर से लाइन को काट दिया जाता है, और कट जाने पर भी इसके अंदर स्पार्क होता है लेकिन ये चारों तरफ से बंद होता है जिससे कोई खतरा नहीं होता है। जब सर्किट ब्रेकर से लाइन कट जाता है तब आइसोलेटर को भी कट ऑफ कर दिया जाता है। सर्किट ब्रेकर में पोलों की दूरी ज्यादा नहीं होती है लेकिन इन दोनों प्रक्रिया पूरी होने जाने पर लाइन कट आउट हो जाती है जिससे लाइनमैन आराम से काम कर सकता है।